मानता हूँ ये अवार्ड मुझे 12 साल पहले मिलना चाहिए था, क्योंकि जब मैंने एथेंस पैरालंपिक्स में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल लिया था, 12 साल पहले मिलता तो और अच्छा लगता मुझे। आज मिल रहा है, बहुत खुश हूँ, और मेरे देश के प्रति मेरी जिम्मेवारी और भी बढ़ गई है, क्योंकि जब आपको एक देश इतना बड़ा मान सम्मान दे रहा है तो आपकी जिम्मेवारी देश के प्रति और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि देश का पहला पैरालंपिक खिलाड़ी हूँ जो मेरे को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए घोषणा हुई है, तो बहुत खुशी है अपने आप में। हिंदुस्तान में एक्चुअली मैं पैरा स्पोर्ट्स की बात करूँ तो पैरा स्पोर्ट्स हिंदुस्तान में अभी इम्प्रूव हो रहा है। 2004 में इतना ज़्यादा मीडिया कवरेज भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था। आज मैं मानता हूँ कि पैरा स्पोर्ट्स को जो 2016 में रियो के बाद में जो मोमेंट मिला, एक बहुत बड़ा मोमेंट मिला देश में, और भारत सरकार ने रियो पैरालंपिक्स जाने से पहले जो ट्रेनिंग थी हमारी उसके लिए पहली दफा हमें टॉप्स में रखा मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने, कि इनको टॉप्स में रखा जाए, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में टॉप्स में रखे हमें। फॉरेन में ट्रेनिंग की हमने, मैंने विशेष तौर पर यूरोप में ट्रेनिंग की, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। रियो में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल लिया।